हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो, और तो आज का जो वीडियो है गाइस, ये बोर्नियो के अपडेट के ऊपर वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा। इसमें क्या अपडेट आया हुआ है मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो बोर्नियो का जो अपडेट है, जो अपडेट आया है, डेली अपडेट आता रहता है। ये बोर्नियो हार्डवेयर सोल्यूशंस के बारे में होता है। अगर बोर्नियो के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो हमारे वीडियो में जाकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम बोर्नियो को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट आया हुआ है। ये जो बोर्नियो प्लेटफॉर्म है, ये आपका मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर में बहुत मदद करता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या अपडेट आया है और उस अपडेट के बारे में। हमेशा मैं इसके अपडेट्स, इसके सेटअप्स और सारा चीज़ कैसे आपको डाउनलोड करना है, हम यहाँ पे आपके लिए लेकर के आते रहते हैं टेक्निकल से रिलेटेड। तो जैसे ही ओपन होता है, आप फर्स्ट यूजर होंगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नया सेटअप को। बाकी जब आप ओल्ड यूजर रहेंगे तो हमेशा एक डिस्प्ले में अपडेट आता रहता है गाइस। तो चलिए अभी जस्ट ओपन हो जाएगा, फिर देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट आया हुआ है। तो जैसे आप इसको खोलेंगे गाइस, तो है कि एक अभी पेज आ जाएगा, अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे खुल चुका है। तो अपडेट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट पार्ट कंप्यूटिंग डाटा बेस 1.0, और दूसरा अपडेट है एड पीसीबी ट्रैक मोड। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये चार अपडेट अभी आया हुआ है, जैसा कि आपको मैं बता दूं। फिक्स क्लियर लिमिटेशन रजिस्ट्रेशन इशू, ये भी एक जो यहाँ पे फिक्स क्लियर लिमिटेशन रजिस्टर्ड इशू, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिक्स पार्ट कंप्यूटिंग डाटा बेस, तो ये सारा अपडेट है गाइस। इस अपडेट को हम देखेंगे। अब करना कैसे, सिंपल सिंपल आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, और अपडेट पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगा गाइस। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डाउनलोड होने के बाद अपने से ऑटो डाउनलोड हो जाएगा और एक बार बंद होकर के रिस्टार्ट हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कि इसमें जो अपडेट था वो अपडेट क्या हुआ है, तो सारा चीज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। क्लियर लिमिटेशन रजिस्ट्रेशन इशू रजिस्टर्ड इशू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये सारा कुछ अभी देखिए फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा गाइस, और आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर देखेंगे इसमें क्या अपडेट आया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे वीडियो जो भी हम यहाँ पे आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेलकम यूजर, यहाँ पे एक पहली बात तो यहाँ पे कलर का भी एक अपडेट है छोटा सा, डाटाबेस, और यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल सिंपल और सिंपल कर लेते हैं इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखाई दे जाएगा, वेलकम यूजर्स, और देख सकते हैं यहाँ पे ये डाटाबेस जो है, ये इसका स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये बोर्नियो लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको डाटाबेस सारा कुछ, जो इसका डाटाबेस है वो पर्टिकुलर यहाँ पे अपडेट हो रहा है डेली, और डेली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका डाटाबेस है वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल चलिए देखते हैं। तो गाइज, जो इसका अपडेट है बहुत ही अच्छा अपडेट है, तो आप जरूर लास्ट डेट तक देखें, क्योंकि अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए इसके अपडेट के बारे में हम फटाफट बता देते हैं कि क्या क्या अपडेट है प्रैक्टिकल तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल बता करके। तो आपने देखा था कि जो इसकी अपडेट मैंने यहाँ पे शुरू में आपको दिखाई थी, अब चलिए फटाफट इसके अपडेट के बारे में आपको हम दिखा देते हैं। तो ये हमने बोर्नियो को ओपन कर लिया। बोर्नियो ओपन करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे जो कंफर्टेबिलिटी, जो कंफर्टेबल आईसी अभी तक आप जो देखते थे गाइस की फोन माइक्रो डीबी में, आप जानते होंगे फोन माइक्रो डीबी के बारे में, आप कंफर्टेबल आईसीयां वहां पे पा सकते थे केवल एमएमसी से रिलेटेड। आप इन्होंने बोर्नियो वालों ने कंफर्टेबल का पूरा एक सिस्टम डाल दिया है इसमें, कि आप कंफर्टेबल कैसे किसी आईसी को कैसे कंफर्टेबल तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा पावर किस सेक्शन से हम किस फोन से उठाएं। तो कोई भी पावर हो, चाहे एमएमसी हो, चाहे आरएफ हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो कोई सी भी आईसी हो गाइस, आपको वहां से कैसे उसको ढूंढना है, कैसे फाइंड करना है, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट मुझे यही लगा गाइस। तो चलिए फटाफट आप देखेंगे, कोई सा भी मॉडल हो, चाहे V17 Pro, चाहे V15 Pro, चाहे कोई सा भी सैमसंग हो, कोई सा भी हो, सब ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे, ये बोर्नियो का काम चल रहा है। बहुत अच्छा अपडेट आया गाइस, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल चलिए, जब भी किसी हार्डवेयर सोल्यूशन में आप जाए, वहां पे आप देखेंगे कॉम नेम, कॉम्पोनेंट नेम, या फिर यहाँ पे COMP कॉम नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहला अपडेट मैं आपको दिखा दूं कंफर्टेबल, आपको देखने के लिए कभी आपकी आईसी मिस हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो आप यहाँ पे बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने एक लेटेस्ट फोन लिया है V17 Pro, जैसा कि एक लेटेस्ट फोन है, जैसा कि आपको देख रहे हैं। तो जो अपडेट है ये आपको सारी आईसीयू की डिटेल दे देगा गाइस, कि कौन सी आईसी कहाँ पे लगी है, कौन सी आईसी क्या है,
सीपीयू है, पावर है, एमएमसी है, इतना तो हम पहचान लेते हैं देख करके गाइस। फिर वहाँ पे आरएफ क्या है, यहाँ पे वाईफाई आईसी डब्ल्यूसीएन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल मिल जाता है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआरवी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यूटीआर, यहाँ पे एसडीआर लगा होता तो यहाँ पे WTR SDR लगा हुआ है, 660 लगा हुआ है, RFIC यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिल सकती है। ये तो एक फुल नेम डिटेल के साथ यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं, और नीचे भी आएंगे तो सारे कंपोनेंट, सारे कनेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा कैमरे का है, बैक कैमरे का है, 8 MP मेगापिक्सल, यहाँ पे कभी मिसिंग हो जाए, कोई पार्ट मिसिंग हो जाए तो हर एक बोर्ड का, यहाँ पे फ्रंट कैमरा 32 MP, यहाँ पे आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका हैंड फ्री का ये दिया गया है कनेक्टर, जैसा कि आप ही हैंड फ्री का कनेक्टर देख रहे हैं। तो ये गाइस, ये जो अपडेट, ये जो वीडियो है, काफी अच्छा लगा गाइस, कि हर एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। पावर पीएम यहाँ पे लगा हुआ है, 6150, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे। अब इसकी जो मेन खास बात है, कंफर्टेबल आईसीयू के बारे में, आईसीयू के डिटेल के बारे में, तो आप किसी का भी यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन खोल करके आप कनेक्टर्स देख सकते हैं कि एलसीडी का कनेक्टर है, ये बैटरी का कनेक्टर है। तो ये गाइज, ये जो वीडियो है, अमेजिंग वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है गाइज। मतलब जो अपडेट वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीए हमारा 3G, पीएफओ आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे 2G पीएफओ देख सकते हैं, यहाँ पे 4G पीएफओ भी लगा होगा। तो आई होप ये जो वीडियो फुल डिटेल के साथ है, बाकी आप इसको परचेस कीजिए, और यहाँ पे सारे मैं कंप्लेंट तो बता नहीं सकता, ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, पर गाइस ये जो हमने बताया आपको, इसमें देख सकते हैं B2B कनेक्टर और यहाँ पे सीम कनेक्टर, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में देने की कोशिश करता हूँ। अब मेन चीज आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ऑडियो ऐसी भी लगी है, तो सब कुछ पता चल जाता है गाइस कि किसमें क्या लगा हुआ है, क्या पावर है, क्या है, अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो देख सकते हैं ऑडियो लगा है यहाँ पे हमारा 894C, क्योंकि अगर आप जूम करते हैं यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब सपोज अब इस वीडियो देखना है कि ऑडियो ऐसी किस किस फोनों में मिल सकती है, तो आपको केवल और केवल सिंपल और सिंपल इस पे करना है आपको डबल क्लिक गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सर्वर अभी खुल जाएगा, एक हमारा अभी पेज खुल जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ बता दूं, कंफर्टेबल का एक बोर्ड 1.0, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दूं, डाटाबेस 1.0 डाटाबेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी ये ओपन हो जाएगा गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी ये वो सर्वर पे चल रहा है, अभी खुल जाएगा, फिलहाल खोल ही जाता है। यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे एक पेज बन के, जैसे यहाँ पे पेज देख रहे हैं, यहाँ पे भी पेज बन के अभी आ जाएगा गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बाकी ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये एसडीआर कहाँ कहाँ पे लगी होगी, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आपको केवल और केवल यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे केवल डबल क्लिक करना है। अगर आपको ये डबल क्लिक, क्योंकि ये सर्वर पे चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वर पे है, आपका नेट थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो आपका क्लियरिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी हर एक दिन अपडेट वीडियो के साथ हमारे चैनल में जुड़े रहें, तब आपको पता चलता रहेगा गाइस। तो फिलहाल यहाँ अगर ये सर्वर के कारण है, जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे पेज एक ओपन हो जाता है, अभी ये पेज ओपन नहीं हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पेज खुलने के बाद आपको पूरा डाटा शीट आ जाएगा गाइस, कि आप किस किस ये जो आईसी लगी है SDR660 जहाँ पे लगी है, किस किस फोन में लगा हुआ है, आपको उस फोन का कंफर्टेबल बता देगा कि आप उस फोन से आप वो ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट, अगर यहाँ से नहीं खुल रहा है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक पीसीबी का, देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्टेबल डाटाबेस का एक यहाँ पे ब्लू कलर का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंफर्टेबल, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। सबसे पहले कर लीजिए इसको कॉपी, मैं कंट्रोल सी दबा देता हूँ और सीधे जाता हूँ पीसीबी में गाइस। पीसीबी में जाने के बाद ये देखिए खुल चुका है हमारा। तो अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको जो आपने कॉपी किया था उसको आपको कर देना है पेस्ट। तो देखिए मैंने SDR660 यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च डिवाइस पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इतने सारे फोनों में 660 लगा हुआ है, सौमी सौमी सौमी, ये सौमी, ओप्पो, मोटरोला, और ये देख सकते हैं कितने सारे फोनों में, वीवो, सौमी, मोटरोला, ये सारे फोनों में आप देख सकते हैं गाइज। ये जो अमेजिंग वीडियो है, मतलब ये मतलब बहुत ही अच्छा वीडियो है गाइज, कि आप यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होने वाली है टेक्निकल फील्ड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो RFIC है, ये देख सकते हैं RFIC कहाँ कहाँ पे लगी है, किसी WTR RF, ये देख सकते हैं, ये सारा कुछ, मतलब इतने सारे फोनों में 660 लगा हुआ है गाइज। मतलब आप इन फोनों से अपना SDR निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं कंफर्टेबल IC, जो कि अभी फोन माइक्रो DB में आप देख सकते थे कि फोन माइक्रो DB में आप अपने MMC को कैसे कंफर्टेबल ढूंढते थे, कि कौन सी IC हम कहां से देख सकते हैं। बाकी इससे अमेजिंग आप
अब इससे अमेजिंग क्या हो सकता है, हर एक फोन का आप डाटाबेस ले सकते हैं। तो इसको आपको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद एक बार मैं चलिए खुल जाता तो अच्छी बात रहती, यहीं से एक डाटाबेस खुल जाता, नहीं है तो आप पीसीबी में जाकर के सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यूएफएस लगाए कि मिमसी लगाए, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिमसी लगा हुआ है, अब मिमसी हमें इसकी कंफर्टेबल ढूंढनी, जैसे आप फोन माइक्रो डीबी में ढूंढते थे, तो फिलहाल हमें यहाँ पे कर लेना है इसको कॉपी। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैं कर दूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर से मैं वही पीसीबी में जाऊंगा। पीसीबी में जाने के बाद यहाँ पे अब ये अब आएंगे यहाँ पे और कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद कर देंगे सर्च, ये देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने इसको आपको क्लोज कर देना है, ये आपको B313 इसको हटा देना है, अब कर देना है सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पे वीवो, ये S1 Pro में भी लगा है, V17 Pro में लगा है, V19 में लगा है, और यहाँ पे सैमसंग के फोन में भी ये MIMC लगी हुई है। मतलब ये MIMC आप वहाँ पे लगा करके काम अपना कर सकते हैं गाइस। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अभी एक डाटाबेस खुल नहीं रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्वर का इशू है। नहीं तो आप किसी भी फोन, आप चाहे किसी भी डायग्राम की अगर हम बात करें, किसी भी डायग्राम को अगर हम एक डायग्राम भी खोल लेते हैं, फिलहाल Xiaomi खोल लेते हैं या कोई भी एक लेटेस्ट मॉडल को हम ओपन कर लेते हैं। लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे K20 ही ले लेते हैं शायद, चलिए K20 Pro ले लेते हैं। K20 Pro का हम यहाँ पे ले लेते हैं लेआउट, ले लेते हैं लेआउट। लेने के बाद अब देखिए, लेआउट लेने के बाद गाइस देख सकते हैं इसका जो एनिमेशन था वो सारा कुछ चेंज हो चुका है। अब लेआउट लेने के बाद जैसे कि यही आईसी हुई, इसको अब हम डबल क्लिक करते हैं गाइस, तो यहाँ पे भी हमारा ये पेज खुल जाएगा और आपको कंफर्टेबल पता चल जाएगा कि आईसी कहाँ पे कौन सी आईसी लगी हुई है। तो आप किसी भी मॉडल का जा करके आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CPU लिखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, U5600। अगर ये आईसी चाहिए आपको U13, ये आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो यहाँ पे इसको कर लीजिए डबल क्लिक। अब ये खुल नहीं रहा है गाइस, नहीं तो साइड में एक पेज बन के आएगा, आपका भी खुलेगा और बहुत जल्द इस सर्वर पे है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 1.0 है, ऐसे अपडेट आता रहेगा। ये काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, पर गाइस ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है। तो चलिए फटाफट मैं लास्ट में इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कर दिया कॉपी, अब हम जाएंगे यहाँ पे PCB, अब यहाँ पे फोन कंफर्टेबल डिवाइस, और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट और कर देंगे सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो आईसी है ये किस किस फोनों में लगी हुई है, इसका जो लोकेशन है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये SDR है, जैसा कि वही फिर से मैंने SDR आईसी, ये आपका वही कमांड का नंबर था, सारा कुछ यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। तो इन सारे फोनों में आप जा करके अपने आप किसी भी वे से, आप चाहे पार्ट नंबर डालें गाइस, आप चाहे यहाँ पे जैसा कि मैं बताऊँ आपको पार्ट नंबर डालें या आईसी नंबर डालें, आप जो भी डालेंगे आपको यहाँ पे फुल डिटेल मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम में इसका पार्ट नंबर डाला तो भी मिल गया, आप आईसी का नंबर भी डालेंगे तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको गाइस यहाँ पे ये सर्वर अभी खुल जाता और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता गाइस। तो ये सर्वर अभी फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल क्लिक करने से आपको यहाँ पे ये PCB अवेलेबल, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ नया लगा है, और ये कंफर्टेबल की जो ये मैसेज था, जैसा कि आपने आपको दिखाया था कंफर्टेबल डाटाबेस, ये जो इन्होंने ऐड किया है ये काफी 2 दिन पहले ही अपडेट आया था, पर अभी भी कोई भी वीडियो अपडेट वीडियो पे नहीं बनी है। तो मैंने इसको आपको बनाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ सारे मॉडल्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक नाम। ये एक सैमसंग का भी फोन है, जैसा कि M10 है ये, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, तो ये M10 में भी आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कौन सा ऑडियो सेक्शन है, कौन सा पावर सेक्शन है, कौन सा MMC है, कौन सा UFS है, कौन सा आपका चार्जिंग IC है, कौन सा आपका नेटवर्क IC है, कौन सा आपका RF है, कौन सा आपका, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है गाइस। तो ये वीडियो आई होप, ये आपको सिम कनेक्टर, ये आपका CPU, ये तो सभी कुछ जानते हैं, कौन सा कनेक्टर क्या है, कौन सा सेंसर है, कौन सा ईयरफोन, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है गाइस, अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।